उस दिन मेला लगता है। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राम कुमार वर्मा जी की परसों डेथ हुई और कल दफन संस्कार हुआ, तो वहां से मेरे पास में सूचना आई कि हर पार्टी के नेता सब इकट्ठे हुए थे और विधिवत सलामी दे करके उनका दफन संस्कार हुआ है। 15,000 लोग इकट्ठे, इतना मेला लग गया। तो ये जब मृत्यु होती है तो दफन करने के लिए मेला लगता है, और जब किसी लाश को, किसी मुर्दे को तुम दफन करने जाते हो तो उस समय तुमको अपनी मौत की भी याद आती है और तुम कहते हो संसार में कुछ है नहीं, सब बेकार है। बात भी सही है, लेकिन संसार में कुछ हो ना हो, जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, तब तक इस संसार में जीने के लिए आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मकान भी बनाना पड़ेगा, गाड़ी भी रखना पड़ेगा, कपड़े भी खरीदना पड़ेगा, दवाई इलाज भी करना पड़ेगा, बच्चों की एजुकेशन भी करना पड़ेगा, सारा सिस्टम अतिथि सत्कार करना पड़ेगा और गुरु भक्ति गुरु सेवा भी करनी पड़ेगी। जब तक जिंदगी है तब तक ये सब करना पड़ेगा। मृत्यु तो एक दिन सभी की होती है, लेकिन याद रखना मृत्यु से डरिए मत। कितनी ही मृत्यु आ जाए तुम्हारी आत्मा को मार नहीं सकती, केवल शरीर मरता है। और जब तक जिंदगी है आप अच्छे से काम कीजिए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छी जिंदगी जियो। हाय हाय की जिंदगी मत जियो, इतना कमाओ इन हाथों से कि 1,000 लोगों को खिला सको, भिखमंगा बनकर मत जियो। कितने लोगों को मैंने कहते सुना है कि अरे दो रोटी का सवाल है, बहुत रात दिन मरे कौन जरूरत है, तो दो रोटी का सवाल तो सबके है, दूसरे रोटी कौन खा दे। लेकिन यदि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि तुम 2,00,000 रोटी कमा सकते हो, किसी किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपने परिवार भर का भी कमा सके, बुद्धि नहीं है, दिमाग डिसीजन सही नहीं लेता है, काम करने का तरीका बेचारे का नहीं आता है, कम बुद्धि का आदमी है, बैठे चुपे, तो ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था बना दीजिए। जैसे आज टाटा जी का बिजनेस इतना बड़ा है कि उनकी सॉफ्टवेयर कंपनी में 8,00,000 लोग सर्विस करते हैं। अगर ये आदमी सोच लेता कि 2 रोटी का सवाल है, का जरूरत टाटा कंपनी सॉफ्टवेयर बवाल हुई है, इतना झंझट पाली के बैठो, आंखी मूंद के रहो, जीवन फरियाद खा लो और घूमो हुआ शीशे की बिरवा के नीचे बैठ लो, ये सोचता तो ये 8,00,000 आदमी कहाँ नौकरी पाता। यदि आपके पास में ऐसी सामर्थ्य है, फैक्ट्री चला सकते हो, डिग्री कॉलेज चला सकते हो, पेट्रोल पंप खोल सकते हो, कंपनी चला सकते हो और बहुत बड़ा सिस्टम चला सकते हो, तो आप, मैं कहूंगा मुकेश अंबानी बनो, अनिल अंबानी बनो, टाटा बिड़ला बनो और बजाज बनो, ताकि तुम्हारे सिस्टम में लाखों लोग सर्विस करके लाखों परिवारों को रोटी मिले, ये भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। अब जैसे मैं सोच लूं इतना मैं मेहनत क्यों करूं, क्योंकि मिलिट्री की तरह हमको अलर्ट रहना पड़ता है कि 1 बजने वाला खट से तैयार हो, बिल्कुल लूज फूस से काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि श्रोताओं को पता है गुरुदेव रेडी हो जाएंगे, इनका भरोसा तभी आवत है। अगर ये जान जाए कि गुरुजी मंच पर पहुंचे बैने करे बड़े आलसी खुदे हैं, तो श्रोता भी ढील ढाल कुछ नहीं है, कुछ ना ही है, सोचे बेकार है, जब है गुरु जी वहां पहुंचते नहीं। अब यहां 1 बजे मुझे आना था, 12:30 बजे फट से उठा, मैं अलार्म बजाया, संतों ने घंटी बजाया, फट से हमको रेडी किया, खट से हम निकले, झट से भक्तों को मिले और चट से तैयार हुए और झट से मंच पर आ गए, खटाखट 1 बजे पहुंचा दिया यहां लोगों ने, 15 मिनट पहले आ जा गए। कल हमसे कोई कह रहा था कि 1/2 घंटा लेट चलो, तो हमने कहा क्यों, अरे कहीं कोई आवा नहीं है भाई, हम कहीं कोई आवे चाहे ना आवे, दूसरा आदमी लेट करे तो उसकी वजह हम लेट ना हो, वो सोचे थोड़ी गुरुदेव लेट ही है तो इसलिए लेट आवा, हम सोचे वो लेट तो हम लेट आई, तो दोनों लेटम लेट तो दोनों लेटे रही हैं, कोई आई बन गई इसलिए हम पहुंचे पहले, कोई आवे चाहे ना आवे, तो हम आ गए टाइम पर। जब हम आ गए यहाँ तुरंत जो है हमने देखा 1,000 आदमी इकट्ठा,
आरती होने के बाद 1,500 इकट्ठे, और फूल भेंट के बाद 2,000 इकट्ठे, और जहां मंत्र बोला सत्संग का तो 3,000 इकट्ठे, और प्रारंभ किया जहां सत्संग की गंगा बहती है पूरा फुल हो गया, ओवरफ्लो हो गया, और चलते ही चले आ रहे, लेकिन टाइम पर शुरू हो गया। तो अलर्ट भी रहना चाहिए। अब मैं भी बोलूं दो रोटी का सवाल है, लफड़े में क्यों फंसो, खाम खाना निश्चिंत सोच सकते हो, ब्यार ब्यार मंच पर चलो, हुआ जाओ पधरोनी जाओ, कहे जाई पधरोनी, लेकिन नहीं, मैं ये सोच कर जाता हूं। और क्यों आता हूं, इसलिए आता हूं कि मेरे गुरुदेव की कृपा से मुझको ऐसी वाणी मिली है, वाणी ऐसा ज्ञान मिला है और ऐसा संस्कार मिला है। ये कुदरत की कृपा, गुरु की कृपा, प्रकृति की कृपा, साधु संतों की कृपा, इस सब पर थोड़ी ऐसी कृपा बरसती है, और ऐसा उम्र मिली है, ऐसा शरीर मिला, ऐसी बुद्धि मिली, और ऐसा स्वभाव मिला, ऐसा आचरण मिला, और ऐसा वैराग्य त्याग मिला, ब्रह्मचर्य मिला, कि हम इस योग्य हैं कि दो शब्द लोगों को सुना करके उनके दुखों को हल्का कर सकते हैं। तो भले ही हमको मेहनत पड़े, लेकिन हमको इस कार्य को करना चाहिए ताकि लोगों को शांति मिले। इसलिए हम आते हैं। कोई ये मत सोचे कि 10 रुपये दक्षिणा ले ही आवत है, दक्षिणा वक्षिणा में कुछ काम होने वाला नहीं। और दक्षिणा भी जो तुम देते हो ना, उल्ट के तुम्हारी सेवा में लगाते, क्योंकि हमारे पास ज्यादा खुद का कोई खर्चा ही नहीं, कुछ भी नहीं, हम इलायची भी नहीं खाते और चाय हम पीते नहीं, फदलारा कोई काम नहीं हमारे तिर और यू कुछ भी नाटक करते नहीं, फैशन वैसा करते नहीं, ब्यूटी पार्लर जाते नहीं, सजावट फजावट कुछ है नहीं, झम्मर झोल पहन लेते ऐसे ही, मैं प्रेस कर काम ही नहीं, प्रेस व्रेस हम करते नहीं, कपड़ा जो सही करो, क्रीज बनाओ, क्रीज फ्रीज कोई काम ही नहीं, अब फ्रीज भी हम रखते नहीं हमारा तो मामला सब बड़ा सस्ते में निपटते। लेकिन तुम जो दान देते हो, चुपके से तुमको बता रहा हूं, दान देते हो वो मैं टीवी चैनल में देता हूँ, यूट्यूब चैनल में देता हूँ, ये आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे जो प्रवचन सुनते हो, इसमें करीब 25,20,000 रुपये साल का जमा करता हूँ आस्था भजन चैनल में। ये 2,10,000 रुपये महीना फीस है उसकी, और यूट्यूब चैनल में भी पैसा खर्च होता तब ये आता है, इसे नहीं आता, इसका भी सिस्टम है। और आस्था चैनल में जो आता है उसमें तो 60,00,000 रुपये साल का पेमेंट है, 6:50 पर जो शाम को आता है, और बीच बीच जो लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण होता है, तो अगर 3 दिन का प्रसारण है तो उसका 12,00,000 अलग से देना पड़ता है, और विशेष प्रसारण है तो उसका भी, अगर 3 दिन का विशेष प्रसारण है तो करीब करीब 1,50,000 उसका भी देना पड़ेगा। ये बहुत खर्चा है। इसमें वे लोग हाथ ऊंचा करें जो लोग टीवी में हमारा प्रवचन सुन चुके हैं, सुनते हैं, हाथ उठाओ ऊपर, ये देखो कितने लोग, नीचे कर लो, यूट्यूब चैनल में मोबाइल में जो सुन रहे वो हाथ उठाएं, मोबाइल में कितने लोग, अब कितनी बड़ी बात है, करीब इसमें से बैठे हुए 60% लोग टीवी में सुन चुके हैं, और सुन करके लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। तो तुम्हारा दान दक्षिणा तो हम तुम्हारी सेवा में लौटाते हैं, और फिर जब आपके यहाँ आते हैं हम दर्शन देने तो गाड़ी में डीजल डाल कर आ जाते हैं, और कोई हमारे काम नहीं, ना लड़का है ना लड़की, ना कोई पढ़ावा लिखावा काम का, और ना तो हमें कोई ब्याह शादी करे, ना दामाद ढूंढेगी, बवाल कुछ है, सब झंझट खत्म हाँ, ना बेटी ना बेटा, सब संत महात्मा है, वह ब्रह्मचारी निहंगम है, उनको कोई लफड़ा नहीं, सबका काम खत्म, अकेला जीवन, सुंदर जीवन, पवित्र जीवन। तो ये जो भी आप हमको दान देते हैं, चाहे दान डिब्बा में डाले चाहे यहाँ दें, वो सब हम समाज कल्याण में, समाज सुधार में, समाज की सेवा में और विश्व कल्याण में ही खर्च करते हैं। अभी तक हम आश्रम शुद्ध नहीं बना पाए ठीक से,
तो हमसे मुकेश अग्रवाल आगरा वाले कह रहे थे गुरुदेव आश्रम तो ठीक ठाक बनाए दो, तो नहीं हमहू रहली करे ठीक से। तो मैंने कहा बन जाएगा, पहले सबके दिलों में आश्रम बनना चाहिए, कल्याण हो जाए लोगों का। तो ये अपनी योग्यता का प्रयोग करो, आप आलसी भी मत बनो, ठीक। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, आप में योग्यता ये मत समझना कि अब हम योग्य हो चुके हैं, और नई नई योग्यताओं को भी अंदर उत्पन्न कीजिए, मरते दम तक नई नई कलाओं को पैदा कीजिए, क्योंकि संसार में इतनी कलाएं हैं और इतने हुनर हैं, इतने गुण हैं, अंतिम अवस्था तक सीखते जाइए। सिलाई मशीन चलाना भी सीख लो, थोड़ा दूसरों को समझाना भी सीख लो और खुद को भी समझाना सीख लो, घर की सफाई करना भी सीख लो, घर का मैनेजमेंट करना भी सीख लो, तात्कालिक इमीडिएट अरेंजमेंट करना भी सीख लो, बड़े बड़े सिस्टम को चलाना भी सीख लो। तुम्हारा नारी का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, लेकिन मैनेजमेंट जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं होंगे। मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए कि व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। तुम किसी के घर में बहू बन करके जाओ, अगर बुद्धि तुम्हारे पास में है, तुम्हारी बहू बुद्धिमान है, तो उसको भी मैनेजमेंट करने का अवसर दीजिए। श्योपुर कला मध्य प्रदेश में हमारे भक्त मोहनलाल राठौर के यहाँ मैं गया, तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव आप कई साल से नहीं आए, एक ही बेटा था उसका विवाह कर दिया और बहू को पूरा मैनेजमेंट दे दिया। हमने कहा बहू की उम्र क्या है, बोले बस 23-24 साल है। तुमने कहा इतनी उम्र में संभाल लेती है, बोले संभाल इतना लेती हम जो 60 साल में नहीं कर पाए उसने 2 साल में कर दिया सब। हमने कहा इतना बड़ा कर दिया, क्या कर दिया, बोले उसके मायके में जो है एक फैक्ट्री लगी थी, वो बचपन से देखती रहती थी, उसने ससुराल में भी फैक्ट्री लगा दी है और उससे इतनी आमदनी हो रही है कि अब गुरुदेव हम तो आराम पाएंगे, अब बहू बेटा दोनों जुटे हुए हैं और पैसा खूब आ रहा है, सब टेंशन खत्म। अगर बहू बुद्धिमान है तो उसके मैनेजमेंट हाथों में जाना चाहिए, सासू बुद्धिमान उसके हाथों में मैनेजमेंट होना चाहिए, आपकी पत्नी बुद्धिमान है तो उसका नेतृत्व चलना चाहिए, और आपका पति बुद्धिमान है तो उसके मार्गदर्शन में सबको काम करना चाहिए, और आपके माता पिता बुद्धिमान उनका मार्गदर्शन रहना चाहिए। याद रखना, दुनिया में जो बुद्धिमान का मार्गदर्शन ले लेता है और बहुत इंटेलिजेंस के नेतृत्व में डायरेक्शन में काम कर लेता है, वो कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू लेता है। माता पिता का सम्मान अपनी जगह पर है, सास ससुर का सम्मान अपनी जगह पर है, वो सम्मान आपका कहीं नहीं जाएगा, लेकिन करने दो इनको। मैं देखता हूं हमारे पास में कोई कोई शिष्य भी बहुत बुद्धिमान है, ये जितना सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है, एक शिष्य हमारा है सीलकर, वो इंजीनियर है इसका, बिल्कुल सब कहीं कुछ बनवाने जाता ही नहीं, सब कंप्यूटर खोल के यही बना देता है। तो हमने कहा कि कहीं ट्रेनिंग लिया है, बोले गुरुदेव अंतर ज्ञान पैदा हुआ है। और एक ही शिष्य है ये सारी व्यवस्था देख रहे, इसको मैनेज करता है, कोई शिष्य है भोजनालय की व्यवस्था मैनेज करता है, कोई वाहन की व्यवस्था मैनेजमेंट करता है, कोई शिष्य है बहुत सारे विभागों को मैनेज करते हैं, सबके अंदर कलाएं भरी हुई है। और जिसके अंदर जो कला हो उसको अपनी कला खेलने दो, और कला सब खेलेंगे तो घर में कलाकंद आ जाएगा, परमानंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। अपनी अपनी कलाओं का प्रयोग कीजिए, आलसी मत बनिए। और ये भी याद रखना, गम खाना भी सीखो, गम नहीं खा सकोगे तो कुछ भी कर ना सकोगे, गम खाना अनिवार्य है। आपस में भी गम खाइए,
अपरिचित में भी गम खाइए, अपने सिस्टम में भी गम खाइए, थोड़ा तसल्ली कर लीजिए, क्योंकि जो गम खा लेता है वह व्यक्ति ज्यादा उलझता नहीं, और उलझ जाने वाले लोग कभी सफल होते नहीं। और ये भी याद रखना, समीक्षा समारंभ हो, किसी कार्य को कीजिए, जल्दबाजी में उसकी शुरुआत मत कीजिए, सोच समझकर डिसीजन लीजिए, क्योंकि जिस राह पर निकल चलोगे, जिंदगी की कोई राह ऐसी नहीं जो यू टर्न कर सको, ये 4 लेन है, बड़ी दूर जा करके मुड़ पाओगे, यू टर्न यहां होता नहीं है, और यू टर्न कर दोगे तो एक्सीडेंट भी होता है, इसलिए स्ट्रेट आपको जाना पड़ेगा। तो चौराहे पर मुड़ने से पहले आप सोचो किस रोड को पकड़ना है, सांसारिक रोड पकड़ना है कि सन्यास की रोड पकड़ना है, बिजनेस की रोड पकड़ना है, खेती बाड़ी की रोड पकड़ना है कि पॉलिटिक्स की रोड पकड़ना है। सोच समझ कर पकड़ो, सोच समझ कर काम करो, किसी की देखा दोनी में नहीं। सन्यासी बनो तो पक्के सन्यासी बनो, कदम पीछे नहीं हटना चाहिए, तुम्हारे साथ में करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, करोड़ों लोगों की आशा के केंद्र बने हुए हो। सुनी समझ ही जन्मुदित मन मज्ज ही अति अनुराग। तुलसीदास कहते हैं, अति अनुराग के साथ में, अति प्रेम से जो सत्संग में स्नान करता है, सत्संग में स्नान करना है, कैसे स्नान करोगे? ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, गाइए संत लोग एक कड़ी गा दीजिए, ध्यान को एकाग्र कीजिए, आप भी दोहराना पीछे से, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, 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 अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, मांस की बनिया काया, जोर से मांस की बनिया काया, जिसको मूरख देख लो भाया, जिसको मूरख देख लो भाया, देह शक्ति मिटा लो प्यारे मना, देह शक्ति हटा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना,
बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपने बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, माता पिता बहन सुते दारा, माता पिता बहन सुते दारा, झूठा नाता जगत तुम्हारा, झूठा नाता जगत तुम्हारा, ममता हटा लो प्यारे मना, मोह ममता हटा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपन बिगड़ी बना लो प्यारे मना, सतसंगति है काशी नगरी, सतसंगति है काशी नगरी, मन की मैल धोयल सगरी, मन की मैल धोयल सगरी, चल के गोता लगा लो प्यारे मना, चल के गोता लगा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, दुष्ट जनों का छोड़ो संगा, दुष्ट जनों का छोड़ो संगा, सत्संगति निर्मल जल गंगा, सत्संगति निर्मल जल गंगा, पाप सारे धुला लो प्यारे मना, पाप सारे भुला लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा 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 लो प्यारे मना, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्संग में ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। ज्ञान की गंगा में स्नान करने से मन का मैल धुल जाता है और जिसका मन निर्मल हो गया, रैदास गुरु ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और जिसका मन गंदा
तो उसके लिए गंगा जी में भी गंदा ही है। कितने लोग गंगा नहाने जाते हैं, वहां से भी किसी का थैला चुरा कर लाते हैं, कुछ नहीं पाए तो चप्पल चुरा के ले आते हैं। किसी ने गांव में पूछा कुछ प्रसाद गंगा जी ने दिया, कहें चप्पल पुरानी मिल गई वही ले आना है। ये महाप्रसाद। अब चोरी का मेल धुला नहीं तो तुम्हारे स्नान करने से मिला क्या? इसलिए आप देखते होंगे जितने तीरथ है, तीरथ तो तीरथ कहाँ कहाँ है, जहां जहां तीरथ है वहां वहां साधु संत का आश्रम भी है किनारे किनारे। तो वहां पर दो व्यवस्थाएं हैं, एक तो गंगा जी प्रवाहित हो रही है और दूसरे साधु संत के आश्रम में ज्ञान की गंगा भी प्रवाहित हो रही है। अब तो कुछ ऐसे भी आश्रम हैं जहां सत्संग ज्ञान कोई करने वाला नहीं है, केवल रहने का इंतजाम है, जाइए रात सो जाइए। लेकिन सत्संग हर आश्रम पर होना चाहिए, करना चाहिए। जैसा कर पाओ वैसा करो। आप बहुत अच्छा नहीं सुना सकते हो लेकिन फिर भी कम से कम एक घंटा कुछ अपनी भाषा शैली में बोलिए, ग्रामीण भाषा में बोलिए, कोई बात नहीं। तुम ग्रामीण भाषा में किसी से कहो कि खीर खा लो थोड़ी, और हिंदी भाषा में कहो कि थोड़ी सी खीर खा लीजिए, और इंग्लिश में कहो, लेकिन खीर तो खीर ही है, चाहे जौनी भाषा में बोलो खीर खीर ही रही। तो ज्ञान तो ज्ञान है, उसको आप ग्रामीण भाषा में बोलो तो भी ठीक है। रामायण ग्रामीण भाषा में है, कबीर का बीजक ग्रामीण भाषा में है, विशाल देव का वचनामृत ग्रामीण भाषा में है, मीरा के शब्द सब ग्रामीण भाषा में है, सूरदास के पद सब ग्रामीण भाषा में है, सब वही गांव की भाषा है, कोई शुद्ध हिंदी नहीं है जो खड़ी भाषा है। और उसी भाषा से काम चल गया तो सत्संग हर आश्रम पर होना चाहिए। और कभी भी तीर्थ में स्नान करने जाओ तो वहां सत्संग भी बैठकर सुनना चाहिए। आज मैं भागवत पढ़ रहा था तो भागवत में लिखा हुआ था कि जिन तीर्थों में जल भरा हुआ है, राजा परीक्षित का प्रसंग था, तो उन जल में स्नान करने से लोग तर जाते हैं या जो हो जाते हैं। तो लिखा था कि केवल यही तीरथ ही तीरथ नहीं है, सबसे बड़ा तीरथ सत्संग तीरथ है, भक्ति तीरथ है, परोपकार तीरथ है, सेवा भी तीरथ है और प्रेम भी तीरथ है। अगर ये सब तीरथ में तुमने डुबकी लगा ली है तो समझ लो तुम्हारा बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। ये तीरथ आज सत्संग रूपी तीरथ इस देवपुरा की धरती पर आया है। और ये तीरथ को लाने वाले, जैसे आपने सुना होगा कि भागीरथ ने तपस्या किया तो गंगा जी आई थी धरती पर। भागीरथ ने क्यों तपस्या किया था? क्योंकि उनके 60,000 पुरखे एक साथ मरे थे, राजा सगर के पुत्र। और क्यों मरे थे? उत्पात करने के कारण, खुराफात उत्पात फालतू बात। कपिल मुनि को डिस्टर्ब किया था, और कपिल मुनि जो थे बड़े तपस्वी ऋषि मुनि संत थे, तो उनकी जब आंख खुली तो 60,000 भस्म हो गए, तो उनकी सब हड्डियां पड़ी थी। तो भागीरथ ने सोचा अब एक एक की हड्डी कहां तक हम पहुंचाएं, अस्थि कलश सब